जितने दिन का अभी ट्रिप था गुजरात का कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कैसे बोल रहे हो, बोलने के लिए आनंद आ गया है। हम तो बोलना पड़ता है। आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल द वे। कुछ दिनों तक गांव में बिताने के बाद, वैकेशन को मस्त जीने के बाद, अभी हम जा रहे हैं हमारी कर्मस्थली की तरफ। वहां से दीपिका दीदी और मम्मी दोनों निकल जाएंगे रायपुर की तरफ, लेकिन आज फिलहाल हमको करनी है पूरे 7 घंटे की ट्रैवलिंग। लेकिन उसके पहले यहाँ पर देखो, मम्मी जी जो है जमाया जा रहा है। अभी बजे सुबह के 4:30-5 बज जाएंगे, थोड़ी देर में 6 बजे की हमारी बस है। सबके सब यहाँ पर सो रही है, देखो पूरी की पूरी मंडली। अरे भाई साहब, ये तो नंगा लड़का है। रानी जी यहाँ पर सो रही है, दोनों मेरे छोटे भाई यहाँ पर सो रहे हैं, हालांकि मदमस्त होके सो रहे हैं। देख रहे हो कैसा सो रहा है, साले कबूतर जैसा पड़ा हुआ है। और वहाँ पर नाना जी भी हैं। यहाँ पर कौन है, ये देखो चुपके चुपके खाना खाया जा रहा है। अरे 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 अरे, मासी जी चुपके चुपके खा रही हैं, क्या बात है। हालांकि खा नहीं रही होंगी, हमारे लिए कुछ ना कुछ बना रही होंगी। बहुत ज्यादा प्यार है भाई साहब। मम्मी कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अब जा रहे हैं तो दुख लग रहा है। जा रहे हैं तो दुख लग रहा है। देख रहे हो, माँ का दिल हमेशा ऐसा होता है। कभी भी मतलब मम्मी के लिए तो ये उनका मायका है ना। मायके में जब भी कोई महिला आती है, जब यहाँ से निकलती है, तब उनको तो दुख तो लगेगा ना। वो हंस के अपने मम्मी पापा के पास रहना किसको पसंद नहीं है यार, सबको पसंद है। मेरे को खुद को पसंद है अपनी मम्मी के साथ रहना, तो इनको भी पसंद ही होगा अपने मम्मी पापा के साथ रहना। पता नहीं यार मैं कैसा देख रहा हूँ, सुबह सुबह मैंने शूटिंग शुरू कर दिया। 2-3 दिन तक अभी शूट नहीं किया था, मस्त आराम से वैकेशन को एंजॉय कर रहा था। अब जाके शूट कर रहा हूँ, नहा के आते हैं फटाफट। नहाने के बाद आप सभी लोगों से मुलाकात करते हैं। So guys, all set for the traveling. अभी मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। दीपिका दीदी भी रेडी है, मम्मी भी रेडी है, और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले। 5:30 तो हो गए हैं। आए हाय, अब पता नहीं ये घर की चाय फिर कब पीने मिलेगी। बॉस बड़ी याद आती है घर की चाय की। क्यों मासी, 10 रुपए की मिलती है, 10 रुपए की छोटी सी, वो भी इतनी सी मिलती है चाय। देख रहे हो, पोगर की चाय। ओहो क्या बात है, वो भी घर की चाय, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मसालेदार बताओ, बाहर की चाय में तो बिल्कुल मसाला ही नहीं होता, कुछ दम ही नहीं होता है। तो 10-20 रुपए ले लेते हैं, बताओ है ना मामी, सही बोल रहा हूँ ना। ये देखो, हाँ मामी जी एकदम मस्त मुंह हिला रही है। काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। देखिए तो एक तरफ बैठी हैं बेटी और एक तरफ बैठे हैं उनके पिताश्री। ये है मेरे नाना जी और ये है मेरी मम्मी। कितना अच्छा लगता है ना, मतलब एक उम्र में पहुंचने के बाद, आप बचपन से साथ में हो, एक उम्र में पहुंचने के बाद आप एक दूसरे से बातें करते हो, नहीं चेंज होता। अगर माँ बाप के साथ तो नहीं चेंज होता, वही बर्ताव होता है जो बचपन में होता है बच्चों के साथ। एक आध दिन हम भी ऐसे कभी बात कर रहे होंगे दीदी, बड़े बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे हो जाएंगे और फिर हम ऐसे मम्मी से बैठ के बातें करेंगे, और ऑफ कोर्स नाना से ही बैठ के बातें करेंगे। क्यों नाना जी, वाह बोड़ा भगत आदमी है। ओहो, नाना जी के साथ जरूर एक आध अपन ट्रिप करेंगे वृंदावन मथुरा वगैरह की। आप लोग को देखना है, ठीक है, जितने मथुरा वृंदावन से लोग जो देख रहे हैं इस ब्लॉग को, सपोर्ट करना। वहाँ पर ऐसा हो तो मीटअप वीटअप रख देंगे अपन। और ये देखो, ये अरे प्रभु ऐसे नहीं सोते, ओ सीधा सो, सीधा सीधा ये दो। अभी अपन थोड़ी देर में रास्ता नापते हैं। ये देखो क्या टाइम हो चुका है, 5:30। अंदर थोड़ी सी रोन धोने की क्रिया चल रही है, ठीक है, इसलिए मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना यार। अभी जाते हैं घर से दूर तो फिर रोन धोने की क्रिया तो होती है, ठीक है, दुख तो होता ही है। ओ करें ब्रदर, मिलते हैं। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया भाई फैमिली के साथ, मजा ही आ गया। फिलहाल अभी यहाँ से अपन को कार में बैठना पड़ेगा, सीधा पहुंचेंगे बस स्टैंड की तरफ। यहाँ से अहमदाबाद जाना, और अहमदाबाद से फिर वडोदरा जाएंगे, आगे की जर्नी वहां से निपटाएंगे, ठीक है। पहुंच चुके हैं थरा के बस स्टॉप पे। ये आई थिंक हमारी बस है जो आई है, ये देखो ये वाली बस, ये देखो अभी जो आ रही है ये हमारी ही बस आई थिंक। यस यस, इसी बस में उनको बैठने का है बॉस, इसी बस में बैठने का है। तो बस फाइनली आ चुकी है, कोई भी एसी या वॉल्वो बस यहाँ से नहीं जाती। चलो चलो चलो, सूटकेस ले लो भाई, सूटकेस ले लो फटाफट। चलो 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 भाई, चलो भाई, थोड़ा सा भीड़ लग रहा है। और ये देखो दीपिका दीदी भी हमारे साथ है। अभी यहाँ से ना 4 घंटे का रास्ता है अहमदाबाद का, जर्नी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वडोदरा में इनको शॉपिंग भी करनी है मैडम को, यार वो भाई सब टिकट काटने का काम कर रहा है, और मम्मी यहाँ पर बैठ चुकी है और हम ये नज़ारा ले रहे हैं।
ज्यादातर लोग सो जाते हैं, बहुत नींद आती है। देखो ये भाई साहब भी सो गए, पैर वैर बजा रहे, मस्त आराम से फरमा रहे, आराम फरमा रहे। पहुंचे हम लोग मेहसाणा के बस स्टॉप पे। मेहसाणा से अहमदाबाद जाने में लगभग 2 घंटे समथिंग लग जाएंगे, 2 से 3 घंटे। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज होगा ना वो सीधा अहमदाबाद में ही होगा। ये वाली बस है, देखो कंडक्टर साहब सब लोग जा रहे हैं, अपन भी बैठते हैं बस में। तो गाइस यहाँ पर देखो हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद के अंदर। ये देखो ये हमारी बस यहाँ पर चल रही है, हम उतरने वाले हैं मंदिर न्यू बस स्टैंड। लगभग 20 मिनट की दूरी है। जो बीच में आपको रिवर दिख रही है ना, जो रिवर है ये साबरमती रिवर है। ये देखो भाई साहब कुछ ऐसा दिखता है अहमदाबाद। मंदिर बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं अहमदाबाद के। और ये देखो दीदी यहाँ पर बैठी हुई है, सामान हमने यहाँ पर ला के रख दिया। अब थोड़ी देर में यहाँ पर हमारी बस आएगी, वो देखो वैसी ही बस आने वाली जैसे ये आई ना। फिलहाल भाई साहब अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। ये देखो ये चाय हमने यहाँ से ली है, मम्मी का पीने का बहुत ज्यादा मन था चाय को। कैसी लगी चाय? ठंडी ठंडी बहुत ठंडी थी, मम्मी को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, ठंडी लगी मम्मी को चाय। आपको कैसी लगी चाय? ठीक ठीक ठीक, मैं तो अभी पीऊंगा, तो अभी देखते हैं कैसी है। हाँ यार उतनी भी बुरी नहीं है, अच्छी है ठीक है, लेकिन हाँ ठंडी है मम्मी, ठंडी तो है, ठंडी तो है। बस स्टॉप से बाहर निकले हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये देखो गीता मंदिर बस स्टॉप के बाहर कुछ ऐसा नजारा दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पर आप कुछ भी खा सकते हो। अंदर खाना चाहो तो अंदर खाने की पूरी सुविधा है, बाहर भी खाने की पूरी सुविधा है, लेकिन 20 रुपए का एक समोसा है भाई। मम्मी और दीदी के लिए कुछ लेके जाना है यहाँ से। भाई जहाँ भी समोसे का रेट पूछ रहा हूँ ना, 30 रुपए की 2 समोसे बोल रहे हैं, मतलब प्लेट के अंदर सिर्फ 2 समोसे और 20 रुपए का एक समोसा। भाई इससे सस्ता तो हमारा वडोदरा है यार, ये तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो मम्मी जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही पीछे नहीं ले लिया तो क्या ना, 3 जन बैठ जाएंगे और क्या, 3 जन के हिसाब से लियो। चलो भाई अब यहाँ अपन यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये हमारी बस के अंदर आ चुके हैं और अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे ठीक है। नींद लेके उठ रहे हैं भाई, बेहतरीन वाली नींद ली है इन्होंने, मैंने कोई नींद नहीं ली। तो फिलहाल भाई साहब मैं, मम्मी और दीपिका दीदी और जैमिनी दी, हम चारों के चारों आए हैं वडोदरा की मार्केट में। तो ये जो है ये मार्केट मैंने बहुत बार आप सभी लोगों को ब्लॉग में दिखाई है, मंगल बाजार बोलते हैं इस मार्केट को। तो जैमिनी दी और दीपिका दी आ चुके हैं, हम लोग अभी उनसे उनके पास जा रहे हैं। आ जाओ मम्मी, मम्मी को घुमा रहा हूँ मैं वडोदरा की मार्केट। सबसे आगे चल रही हैं जैमिनी दी, उनके पीछे चल रही हैं दीपिका दी, और उनके पीछे मम्मी है, मम्मी के पीछे मैं हूँ, और हम चारों के चारों एक कतार में चीटियों की भांति चले जा रहे हैं। ये जो मैडम है ना, इन मैडम को कर रही है शॉपिंग। पिछले 1 घंटे से ना मैं इनके पीछे पीछे घूमे जा रहा हूँ, और ये जो महिलाएं हैं ये लिए जा रही हैं सामान, लिए जा रही है। अभी तक पता नहीं उन्होंने कितना सामान ले लिया है, लेकिन और भी इनको लेने का है, और मैं पीछे पीछे घूम रहा हूँ। भाई साहब मुश्किल से इनकी शॉपिंग खत्म हुई है, और ये देखो ये पूरा थैला बॉयज को उठाना पड़ता है ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं भाई घर की ओर, हालत खराब हो गई भाई, हालत खराब हो गई सच बता रहा हूँ। 3 घंटे से घूम ही रहा हूँ इनके पीछे पीछे, लिटरली ये होता है। भाई साहब बच चुके हैं सुबह के 5:30, और अभी हम जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि 6 बजे की उनकी ट्रेन है। 5:30 बज चुके हैं, इसलिए सामान वामान लेके देखो अभी अपन जा रहे हैं। वो देखो मम्मी और दीदी लोग आ रहे हैं। ये देखो दीदी भी सामान उठा के, मम्मी भी सामान उठा के, जैमिनी दी। चुकी है और अपन अपने बोगी नंबर के पास जा रहे हैं ठीक है। हालांकि ट्रेन 10 मिनट लेट है, ज्यादा लेट नहीं है, लेकिन अभी जो हादसा हुआ है बहुत ही गंभीर हादसा जो कि ओडिशा में हुआ है। जब ऐसे हादसे होते हैं ना भाई, रूह कांप जाती है, सच बता रूह कांप जाती है। मैंने ये न्यूज पढ़ी, फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करके इस न्यूज के बारे में और भी जानने की कोशिश की, एंड आई वॉज शॉक्ड लिटरली। ये बहुत बड़ा हादसा है, कंडोलेंसेस टू देयर फैमिली। बहुत दुख होता है जब ऐसा हादसे के बारे में सुनते हैं, ट्रेन हादसा बहुत ज्यादा दुख होता है यार, बहुत ज्यादा।
हमारी ट्रेन यहाँ सामने से आएगी और इस तरफ की ओर जाएगी। तो मम्मी अच्छा, जितने दिन का भी ट्रिप था गुजरात का कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया। आनंद आ गया या फिर ऐसे ही बोल रहे हो बोलने के लिए आनंद आ गया? बोलना पड़ता बोलना पड़ता, वीडियो में बोलना पड़ता, देख लो। नहीं नहीं ऐसा है, अगर है तो बताओ। आनंद आया ना? बहुत आनंद आया, गर्मी में बहुत मजा आया। इधर गर्मी खूब पड़ रही है भाई, बहुत खतरनाक गर्मी, पानी बह रहा है। इनका स्वागत ही पसीने से हुआ था, पता है आप लोग? और ये मैडम पता नहीं क्या किसको घुरे जा रही है इतना, इनके अलग ही ठाट है। चलो अभी ट्रेन का वेट करते हैं, ये इनको निकलना है। विशाल साथ है, विशाल साथ मम्मी को छोड़ के अभी घर पे पहुंचे हैं और ये आंधी तूफान आना शुरू हो गया। ये देखो भाई, मौसम के हाल एकदम अचानक से बदल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी ही देर में तूफान आने वाला है। कल न्यूज में एक्चुअली गांव के अंदर न्यूज आ रही थी, तो उस न्यूज में मैंने देखा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तूफान आ रहा है वडोदरा और अहमदाबाद में। तो क्या ये वही तूफान है जो दिख रहा है भाई साहब? ये देखो भाई, कुछ नहीं दिख रहा भाई सामने कुछ। दीदी हंस रही है, पीछे खड़े देख रहे हो, हंस रही है। तो अभी थोड़ा सा अगर धीमा होता है तो अपन निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई थी, तो अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है। अब मैं निकल चुका हूँ अपने रूम के लिए, थोड़ी देर में अपने रूम पे पहुंच जाएंगे। ज्यादा लेट करेंगे ना तो अभी मैंने वेदर चेक किया, 10 से 2 बजे के बीच में बहुत ही तेज थंडर स्टॉर्म हो सकता है और फिर शाम को भी थंडर स्टॉर्म हो सकता है, बारिश हो सकती है। तो अगर अभी तक इस व्लॉग को देख रहे हो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, कमेंट करके जाना कैसा लगा व्लॉग, इसी के साथ जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए, जय श्री कृष्ण, काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट।